कोरियन फ्राइड चिकन। कोरियन फ्राइड चिकन, और ये आपको बताते चलें कि ये वो वाला चिकन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट, लेकिन ये बड़ी मज़े की रेसिपी। और यहाँ पे एक बॉल ले लेते हैं, आधा किलो चिकन हमने ले लिया, बोनलेस लेग, आप ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। इसको हमने तकरीबन 1 इंच बाई 1 इंच की क्यूब में काट लिया, और इसमें सिंपल नमक और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। इसका सॉस एक बनने वाला है जो कि बहुत मज़े का है, और सिंपली हमने इसको फ्राई करना है जिस तरह आमतौर पर हम लोग चिकन को फ्राई करते हैं। तकरीबन आधा कप मैदा डाला, सबसे पहले इसमें हमने नमक लगाया था, साथ में मैदा अच्छी तरीके से कोट कर दिया, और तेल यहाँ पे हो गया गरम। एक एक करके सारे पीसेस इसमें शामिल कर देंगे, एक्सेस मैदा जो है वो कोशिश करें इसमें ना जाए, बस इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और पका लेते हैं बस। चलिए ये हो गया काम, निकाला इसको। अगेन कलर देख लें, ये कलर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि जिसमें वो कहेंगे कि यार ये कच्ची ना रहेगी, बिल्कुल पकी हुई मुकम्मल तौर पे। तो चिकन निकाल लिया, और आधा किलो चिकन है ये, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 लोग तो पेट भर के इसको खा सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें आनी है। तो चिकन पहले मैं निकाल लूँ, इसके बाद आ जाते हैं हम एक सॉस की तरफ जो कि बड़ा मज़े का कोरियन सॉस है। सबसे पहले इसमें ये कॉर्न सिरप आ गया, उसके बाद आ गया चिली सॉस और केचप, थोड़ी सी मिठास आपको कम लगे तो फिर आप इसमें चीनी और शामिल कर सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, ये सिंपल कॉर्न सिरप, चिली सॉस और केचप, बस इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं और ओवन में भी, बेस्ट तरीका इसका ओवन में बेक करने का है, और 250 डिग्री पे हमने इसको बेक करना है। सिजलिंग प्लेट ले लेते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर आया चिकन, बीच में वेजिटेबल भी आ रही है तो काफ़ी पेट भर जाएगा इसे। कोरियन फ्राइड चिकन, और ये पहले हमने सिंपल इसमें नमक लगा के मैदा लगा के कोट करके इसको हमने पकाया, अब इसके साथ आ जाएंगी सब्जियाँ। तो ये आ गए सबसे पहले ये सब्जियाँ, इसमें हमने थोड़ी सी सेट कर दी, स्ट्रेट अवे भी जा रहा है फिलहाल ओवन में, थोड़ा सा बेक होगा निकलेगा, इसके बाद इसमें सॉस जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए बेक होगा निकलेगा, फिर ऊपर से पनीर और मेयोनीज ऊपर से हम डालेंगे, और ये हमारी कोरियन फ्राइड चिकन की रेसिपी हो जाएगी तैयार। ये हो गया तैयार, दिस गोज इन द ओवन, और मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। चलें, इसका काम हुआ ख़त्म। ये जो हमने अभी चिकन रखा था इसको 7-8 मिनट पकेगा, फिर निकलेगा, फिर इसमें सॉस जाएगा, फिर इसके ऊपर चीज़ आएगी, आखिर में इसके ऊपर हम मेयोनीज डालेंगे, और ये भी हो जाएगा तैयार। और अब इसके ऊपर आएगा इसका सॉस जो कि बहुत ही शानदार और मज़े का है, और ये सारा फ्लेवर जो है सारी डिश को ये सॉस देगा बस। साथ में इसके ऊपर आ गया चेडर चीज़ डालते हैं, मोज़रेला डालते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, और ये मैक्सिमम बेक होगा 3-4 मिनट के लिए बस। और ये हमारा कोरियन फ्राइड चिकन, और आखिर में डलेगा इसके ऊपर मेयोनीज। तो चीज़ आ गई, और ये फौरन वापस में जाएगा ओवन में फॉर जस्ट 5 मिनट्स बस। बेहतरीन हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी जगह बनाते हैं। ये आ गई इसकी हॉट प्लेट, और ये आ गया, ये कोरियन फ्राइड चिकन हो गया तैयार। इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना, पनीर इसके ऊपर डाल दी थी, हल्की से मेल्ट की, आखिर में हमने इसके ऊपर बॉटल से थोड़ा सा मेयोनीज डालना है, वो भी अभी नहीं, अदरवाइज मेल्ट कर देगा। कोरियन फ्राइड चिकन, अज्जा, चिकन लेग क्यूब्स 500 ग्राम, प्याज मोटे स्लाइस बड़ी, चेडर चीज़ 1 कप, सॉस के लिए केचप 1 कप, चिली सॉस आधा कप, कॉर्न सिरप आधा कप, चीनी 3 खाने के चम्मचे, शिमला मिर्च मोटे स्लाइस, मेयोनीज आधा कप, मैदा आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए नमक 1 चाय का चमचा।